नई दिल्ली। और भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले एक साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट्स प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि लगातार जो पेटेंट्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी यानी जो इकोसिस्टम है उसमें बदलाव आया है। आपको याद होगा स्टार्टअप्स के लिए जो पेटेंट्स की सुविधा थी उसमें फीस में कमी की गई थी, पेटेंट कार्यालय ने 1 साल के भीतर 1 लाख पेटेंट प्रदान किया। आप समझिए कि संख्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी संख्या में इनोवेशन हो रहा है देश में। 15 मार्च तक आप देखिए 1,01,300 से ज़्यादा, हर दिन 250 पेटेंट दिए गए हैं। अब आप समझिए एक दिन में आपको 250 से ज़्यादा आवेदन तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं, उसमें जो ग्रांट किया गया 250 से ज़्यादा। अब तक 2023-24 में सबसे ज़्यादा 93,000 पेटेंट्स देखे गए थे, अब तक का ये ऑल टाइम हाई देखा जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि ये इनोवेशन के तौर पर, हब के तौर पर जो भारत को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, और GIA जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है उसकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही। मुझे याद आ रहा है लास्ट GI अयोध्या धाम के जो हनुमान लड्डू हैं, हनुमान गढ़ी के लड्डू हैं, उनको दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। कॉपीराइट की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग की बात करें, या फिर पेटेंट, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और बीते वर्षों की तुलना में ये जो बढ़ोतरी है कई गुना देखी जा रही है। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर IFT से जुड़ रहे हैं इस खास बातचीत के लिए। डॉक्टर प्रलोक गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। हम लगातार आपसे WTO और जो पेटेंट जैसे मुद्दे हैं उन पर बात करते रहते हैं। ये जो इनोवेशन बनाने का एक नया अभियान सरकार ने शुरू किया है, हमने देखा एक बड़ा फंड R&D के लिए इंटरिम बजट में प्रपोज किया गया। पेटेंट्स कितनी बड़ी संख्या, हर दिन 250 पेटेंट्स। जी अजय जी बिल्कुल, अभी जैसा आपने बताया कि पिछले एक साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेटेंट ग्रांट किए गए हैं, ये क्लियरली एक इंडिकेशन है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। सो बैकवर्ड लिंकेजेस इन टर्म्स ऑफ जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट हो रहा है, जो देश के युवा हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे आर कंटिन्यूसली बिल्डिंग ऑन इनोवेशन एंड क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड। दूसरी तरफ जो आपकी पहली न्यूज थी जो स्टार्टअप महाकुंभ की, ये जो इनोवेशन है अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होंगे स्टार्टअप्स में, तो जो स्टार्टअप कल्चर है उसकी वजह से जो रोजगार है, आपका जो इनकम है, उन सबके ग्रोथ में सब कंट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर प्रणव गुप्ता ये समझाइए हमें, अगर भारत में पेटेंट मिल जाता है आपको, 250 पेटेंट मान लीजिए एक दिन में आप ग्रांट करते हैं, तो क्या उसको दूसरे देशों में भी प्रोटेक्शन रहेगा? कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं, आपको हर देश में अलग अलग जाकर के पेटेंट फाइल करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर पेटेंट मिल गया है तो ऑटोमेटिकली सभी देशों में पेटेंट आपका एप्लीकेबल होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो कंट्री है उसका किन देशों के साथ में एग्रीमेंट है कि एक जगह पेटेंट दूसरी जगह भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन IPO जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि यहाँ पर पेटेंट मिल गया तो इसका मतलब आगे मिल जाए। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है, वो अगर जो यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं या जो इनोवेटर्स हैं वो यहाँ पर पेटेंट करा लेते हैं, लेकिन उसी चीज को उनको अगर कहीं दूसरे मार्केट में ले जाना है तो वो काफी कॉस्टली अफेयर होता है। काफी कॉस्टली होता है एट द स्टेज ऑफ स्टार्टअप, उतने कॉस्ट का बियर करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्केलेबिलिटी है स्टार्टअप्स की, बिल्कुल सही कहा, फॉरेन मार्केट्स में उसको अफेक्ट करता है। तो क्या क्या जो इकोसिस्टम है पेटेंट ग्रांटिंग का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग फाइल कर रहे होंगे? फाइल मेरे ख्याल से 500 कर रहे होंगे, तभी तो 250 लोगों को पेटेंट ग्रांट किया जा रहा है। तो और उसमें शायद फीस में भी कमी की गई थी, शायद 80% की कमी की गई थी स्टार्टअप्स के लिए, उसका कुछ असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, सिर्फ नियम ही नहीं जो ओवरऑल कल्चर उसमें बदलाव हुआ है। तो दो चीजें मैं इसमें आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक तो जो हम लोगों का पेटेंट ऑफिस है उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। तो 2021 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन स्टार्ट किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, उनको पेटेंट के बारे में ज्यादा ज्यादा अवेयरनेस किया गया। उसका जो वर्जन 2 है वो 2022 में लॉन्च किया गया। जी जी। इसके अलावा एक IPR मंथन भी स्टार्ट किया गया, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं, IITs हैं, उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर टॉक
स्टॉक किए गए, जिससे लोगों में जानकारी बढ़े कि पेटेंट होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी अगर हम देखें कि हमारे जो खास करके टीयर टू सिटीज हैं या जो छोटी छोटी जगह हैं, वहां पर बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। तो चलिए बताई दीजिए, सरल शब्दों में आप बताई दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं पेटेंट्स, तो वो क्या करें, कैसे करें और क्यों पेटेंट दाखिल करना चाहिए? शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द होगा वो। देखिए, जो पेटेंट है, एक्चुअली जब भी आप कोई आविष्कार करते हैं तो ये एक तरह से उस आविष्कार के, आपका जो आविष्कारक माइंड है उसके लिए एक प्राइज है। तो तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी पेटेंट को ऑब्टेन करने के लिए। पहला कि उसमें कोई नॉवेल्टी होनी चाहिए, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ नई चीज होनी चाहिए, इट्स ऐसा नहीं कि वो जो एज यूजुअल है वही चीज हो। दूसरा, नॉन ऑब्वियस, कि जो भी आप कर रहे हैं वो ऐसा ना लगे ये तो बहुत सरल सी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जो भी आप आविष्कार कर रहे हैं वो उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको पेटेंट ऑब्टेन किया जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप, हम अक्सर खबर सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उन्होंने आविष्कार किया है, तो उनको वो जानकारी नहीं है। तो इसके लिए जो ये अवेयरनेस मिशन में आपको भी बता रहा था, ये जो शुरू हुआ है तो उसके थ्रू अब हमारे जो आपका जो कॉलेज सिस्टम है उसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, टीयर टू सिटीज से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो जब उनको जानकारी होती है तो वो अपनी जगह पर उस चीज को भी, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कोई नई चीज वहां पर डेवलप हुई है तो वो उसको प्रमोट करते हैं कि भी आप भी इसका पेटेंट के लिए फाइल करो। आपने अपने छात्रों का जिक्र किया तो मुझे अटल टिंकरिंग लैब का ध्यान आ गया। 10,000 से ज्यादा जो टिंकरिंग लैब्स बन रही हैं, शायद उसमें स्टूडेंट सब जा करके, और आपको पता चला है कुछ कुछ जगह पे तो स्टूडेंट सैटेलाइट्स भी बना रहे हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, सही कर रहे हैं आप, और ये इंटीग्रेट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को, पेटेंट सिस्टम को, इंडस्ट्रियल जो सॉल्यूशंस हैं उन सभी को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, सबको इंटीग्रेट करके जब हम लोग काम करते हैं तो उसका नतीजा जरूर निकलता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अजय जी, कि ये जो ओवरऑल हमारा जो डेवलपमेंट है उसकी एक तरह फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो शुम्पीटर की थ्योरी, जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इनोवेशन थ्योरी दी थी, जी। तो तीन स्टेज रहते हैं, इन्वेंट, इनोवेशन एंड डिफ्यूजन। ये अभी जो स्टेज है जहां पर अभी हमने कहा जैसे 1,00,000 हमें इन्वेंशन पेटेंट हुए, ये इन्वेंशन स्टेज है। इसके बाद इनोवेशन, जहां पर कि आप इसको, इससे रिलेटेड जितना भी रिसोर्स है जो कंबाइन करते हैं और फिर एक्चुअली जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलप होता है। और थर्ड में जहां जैसे जिसको प्रोडक्ट को आप कमर्शियल यूज कर सकें, और जो थर्ड स्टेज होती है जहां पे एक्चुअली वो डिफ्यूज हो जाता है, यानी ऐसा नहीं सिर्फ आप यूज कर रहे हैं उसको, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है वो उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो दो स्टेज आ गए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। जैसे जो फोटोकॉपियर होता है जेरॉक्स, जी जी, 1938 में कार्लसन ने, वो भी एक पेटेंटेड अटॉर्नी ही हुआ करते थे, तो उनको लीगल डॉक्यूमेंट को कॉपी करने बड़ी मुश्किल होती थी, तो उन्होंने इसका जो है इन्वेंशन किया। लेकिन ये इन्वेंशन स्टेज थी, उसको रिसोर्स कंबाइन करके कमर्शियल यूज तक लाने में 10 साल लगे। 1948 कंपनी में जो एक बेटल कंपनी थी उन्होंने फंडिंग की और तब वो एक्चुअली कमर्शियल यूज हुआ, और आम आदमी के लिए लिया। पीरियड है वो कम रहना चाहिए, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कंपनीज को मिले और अंत में जाकर के आम आदमी को मिले। डॉक्टर प्रलोक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के और पेटेंट की दुनिया में अभी क्या कुछ चल रहा है उस पर अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे।